नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। सर, पहले हमारे इधर आकर के लाइट बंद करके कैमरे हमारे लगे हुए हैं, हम अपने बचाव के लिए कैमरे रखे हैं। हमारा कैमरा बंद करके इतना बड़ा कांड किए लोगों ने, अभी भी हमारा कैमरा बंद है। अगर मेरे जान का खतरा हुआ, हमारे जान का खतरा तो है, अगर हमारे और हमारे परिवार को कुछ भी हुआ तो उसका जवाबदार सीताराम गुप्ता, नगर पालिका और पुलिस वाले रहेंगे, क्योंकि मेरा कैमरा बंद करवाने वाले वही लोग हैं और उनके गुंडे घूम रहे हैं। कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है, उसका जवाबदार सी पुलिस चौकी रहेगी। वसंत नगरी वसई में अवैध बांध काम पर तोड़क कार्रवाई करने गए मनपा प्रशासन पे उठे गंभीर सवाल। राजनीतिक दबाव के चलते सरकारी जगहों पर बनने वाले अवैध निर्माण को छोड़कर हमारी निजी जमीन पर बनाए जा रहे निर्माण कार्य क्यों चुप रहे हैं मनपा को, पीड़ित ने उठाया सवाल। मामले में एक पूर्व नगर सेवक के साथ अग्रसेना नेता पर लगाए जा रहे हैं आरोप। वसई वीरार मनपा में अवैध बांध काम जितनी बड़ी समस्या है उतनी ही बड़ी मिस्ट्री भी है, क्योंकि मनपा प्रशासन एक तरफ हजारों बल्कि लाखों की संख्या में निर्मित अवैध बांध काम, जिनमें से कई जगहों पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर अवैध बांध काम करवाया गया हो, उन सभी अवैध बांध काम पर गांधी जी के 3 मुख्य सिद्धांत, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो और बुरा मत देखो वाले पोस्टर पर चित्रित बंदर की तरह अपने आँख, कान और मुंह को बंद कर देता है। लेकिन वही प्रशासन रसूखदारों के एक इशारे पर जहां कहीं निजी जमीन पर अवैध बांध काम हो ध्वस्त करने भी चला जाता है। यह आरोप हम नहीं लगा रहे, बल्कि ये कहना है वसंत नगरी एवरशाइन अंतर्गत फायर ब्रिगेड से कुछ ही दूरी पर रहने वाली रीमा सिंह नामक महिला और उसके परिवार का। आपको बता दें कि रीमा सिंह से जुड़े इससे पहले भी कई विवाद सामने आ चुके हैं, जिसमें कथित तौर पर रीमा सिंह एवं उसके परिवार पर एक पूर्व नगर सेवक सीताराम गुप्ता व उनके आदमियों द्वारा मारपीट तक की जा चुकी है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। एक बार फिर अभी यह तोड़क कार्रवाई होने के बाद रीमा सिंह इस कार्रवाई के पीछे पूर्व नगर सेवक का हाथ होने का आरोप लगा रही है। साथ ही रीमा सिंह ने इस बार पूर्व नगर सेवक के अलावा आगरी सेना के पालगढ़ जिलाध्यक्ष जनार्दन पाटिल उर्फ जन्या मामा का नाम भी इस मामले में उछाला है, जिसके बाद जन्या मामा का इस पूरे मामले में क्या संबंध है यह सवाल उठने लगा है, क्योंकि जन्या मामा आगरी सेना के पदाधिकारी है, जो आगरी सेना बहुजन विकास आघाड़ी की दूर विरोधी पार्टी है, जिसकी किसी भविया नेता को मदद करने की ज़्यादा कोई संभावना नज़र नहीं आती है। यहाँ मामले के तो दोनों ही पक्षकार रीमा सिंह एवं सीताराम गुप्ता दोनों ही बहुजन विकास आघाड़ी से जुड़े हुए हैं। ऐसे में जन्या मामा सीताराम गुप्ता, जिनके ऊपर पहले से कई मामले दर्ज है और हाल ही में कुछ समय तक जेल में भी रहकर आ चुके हैं, उनकी मदद क्यों करेंगे, यह सवाल भी बड़ा पेचीदा सवाल है। रीमा सिंह ने अपने दिए बयान में मनपा प्रशासन पर तो आरोप लगाए है ही, साथ ही पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद मामला और भी संगीन होता दिखाई दे रहा है। खैर, इस मामले में मीडिया के सामने अपना दुखड़ा सुनाने वाली रीमा सिंह के आरोपों में कितनी सच्चाई है, इसका पता लगाने प्रशासन को इस मामले की गहरी छानबीन करने की आवश्यकता है। वहीं मामले में उछाले गए जन्या मामा के नाम का खुद जन्या मामा को भी स्पष्टीकरण दिए जाने की जरूरत दिखाई पड़ रही है, ताकि मामले का सही से खुलासा हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीमा सिंह है। क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर कल सीताराम गुप्ता आया था दोपहर में जनिया मामा को लेकर के, यहाँ पर सब दिखाया, दिखा करके जाने के बाद में नगर पालिका को अच्छे खासे सेटअप किए हैं लोगों ने। मुझे कल से ही मालूम था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि बिना नोटिस का मेरे ऊपर कार्रवाई करेंगे। हम लोग पूरी फैमिली घर के अंदर रहते हुए भी हमारा घर के अंदर भी नुकसान किए हैं, तोड़फोड़ किए हैं, हमको चोट भी आई है, और वो लोग बिना नोटिस के कार्रवाई किए हैं, जिसमें काफ़ी नगर पालिका को पैसा पहुंची है, 10-15 लाख रुपया कल का तोड़ पानी किए हैं, उसके वजह से हमारा ही वसंत नगरी में खाली तोड़फोड़ किए हैं। आप मनपा कमिश्नर से क्या कहना चाहेंगे? मैं मनपा कमिश्नर से यही कहना चाहती हूं कि पूरा वसंत नगरी ही इनलीगल है, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। हम मानते हैं कि हमारा इनलीगल कंस्ट्रक्शन है, लेकिन हमारा टूटा तो पूरा वसंत नगरी टूटना चाहिए, ऐसा मैं विनती करती हूँ। सबके साथ में वही होना चाहिए जो हमारे साथ में हुआ, पैसा लेकर के सिर्फ हमारा तोड़े, ऐसा नहीं हो सकता है। आपका ये कहना है कि ये सीताराम गुप्ता और ये सीताराम गुप्ता ने लास्ट तक हर जगह पहुंच लगाया, नहीं कुछ हुआ, तो जन्या मामा को लेकर के इतना बड़ा सेटअप करके हमारा तोड़ा है। ऊपर से हमारा बहुजन विकास आघाड़ी का कार्यालय था, आज
डेढ़ दो साल से कार्यालय था, कार्यालय तक भी तोड़वाए हैं, बहुजन विकास अघाड़ी का कार्यालय भी तोड़वाए हैं। बविया का कार्यालय टूट गया, टूट गया। यहाँ सत्ता बविया की है, तो हाँ। आप यहाँ के जो आमदार हैं उनसे क्या कहना है? आमदार से मैं यही विनती करती हूँ कि हमारा कार्यालय जिस तरीके से तोड़ा गया उसके लिए जो भी उनके समझ में आए वो करे हमारे लिए। क्या नाम है आपका? राहुल सिंह। राहुल, क्या हुआ यहाँ? तकरीबन 11 बजे के करीब आज सवेरे महानगर पालिका के लोग, कुछ ज़्यादा ही लोग थे, पास 7-8-10 लोग होंगे, ये लोग आए इतने से कंस्ट्रक्शन को तोड़ने के लिए, उन्हें सारा कंस्ट्रक्शन अगल बगल का तोड़ दिया। मेरे बहुत ही ये करने पे, विनंती करने पे, हाथ जोड़ने पर वो लोग यहाँ पर रुक गए, पर हमें धमकी दे के गए कि ये भी तब वो तोड़ेंगे करके। कुछ नोटिस वगैरह दिया था? इन्हें कब नोटिस दिया था इन्हें को पता है? ये लोग कोई डेट बोल रहे थे, मई की कोई डेट बता रहे थे, पर मुझे या मेरे परिवार को इसमें से कोई याद नहीं आता कि ऐसा कोई नोटिस दिया था। नहीं पता कि इनको किस बेसिस पे नौकरी मिलती है, ये लोग कौन से एग्ज़ाम पास करके आते, क्योंकि मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट और बैंकिंग और रेलवे का एस्पिरेंट हूँ और हमें बहुत रिग्रेस प्रोसेस से पास होकर जाना पड़ता है, इसलिए हमें पढ़ा लिखा होना चाहिए। ये पढ़े लिखे हैं या नहीं इस पर मुझे शुबा है, मैं एक नागरिक का अधिकार के तौर पे कहता हूँ। और मैं मानता हूँ कि इनकी भाषा शैली और इनका नागरिकों से बर्ताव करने का तरीका बिल्कुल ही निम्न स्तर का है। इन्होंने तोड़क कार्रवाई के दौरान आपसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया? अपशब्दों का इस्तेमाल छोड़कर बाकी सारी चीज़ें की, मतलब चल, हट, निकल, ये जो सड़क की भाषा होती है ये इन अधिकारियों की थी। इनके साथ पुलिस भी थी क्या? जी, इनके साथ पुलिस भी थी, पुलिस भी वही रवैया में थी। माना कि ये इनलीगल कंस्ट्रक्शन एक बार हो सकता है, मजे की बात ये है कि इनलीगल कंस्ट्रक्शन पूरे वसंत नगरी में, और कुछ कंस्ट्रक्शन तो सरकारी ज़मीन पर है, यानी महानगर पालिका और गवर्नमेंट की ज़मीन पर, इन अधिकारियों की आँखें उनके लिए तो नहीं खुलती, उन इनलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं खुलती। मैं आपको बताना चाहता हूँ सर कि ये प्राइवेट ज़मीन है, इट इज़ नॉट अ गवर्नमेंट और महानगर पालिका की जमीन। ये तोड़ सिर्फ इसलिए रहे हैं क्योंकि हमने इनकी परमिशन ले ली, पर आप सोचिए ये मुद्दा ज़्यादा गंभीर है, या गंभीर ये मुद्दा है कि सरकारी ज़मीन पर आज 4-4 माले की बिल्डिंग खड़ी है। मुद्दा ये गंभीर है कि कौन सा मुद्दा गंभीर है, और वो बिल्डिंग आज से नहीं बल्कि 10 साल से, सही है ना? 10 साल से ना, 10 साल से वो बिल्डिंग अभी भी सरकारी जमीन पे, और अभी भी बन रहे कंस्ट्रक्शन सरकारी जमीन पे। यही तो प्राइवेट जमीन, 40,000 रुपए लेती है एक कंस्ट्रक्शन को बनाने के लिए, ये तो प्राइवेट जमीन है सर। चलिए माना की परमिशन ना ली, पर आप सरकारी जमीन पे 10 साल से खड़ी 4-5 माले की बिल्डिंग को टॉलरेट कर सकते हो, पर ये कच्चा कंस्ट्रक्शन, कुछ पत्थरों का कंस्ट्रक्शन आपके आंखों में छुपता है, क्या रवैया है महानगर पालिका का? ये तोड़क कार्रवाई के समय पुलिस आई थी? आई थी सर, पुलिस तो आई थी। ऐसे पुलिस को फोन करो, यहाँ पे कुछ भी हो जाता है, मर्डर भी हो जाएगा, पुलिस आने में टाइम लगाती है। आज तो ऐसे पुलिस आई थी कि हम एक बहुत बड़े क्राइमर बैठे हैं, हमारे पीछे बहुत गाड़ियां लगी हैं, बहुत पुलिस लगे हैं, हमारे लिए सबका बंदोबस्त था। और यहाँ पर हर दिन पीछे सरकारी जमीन में हर दिन एक चाली बनता है, जो नगर पालिका को 60,000 रुपये देती है, और चाली बनता है उसका। कौन बना रहे? सब सीताराम के लोग बना रहे हैं, जितने भी बना रहे सरकारी जमीन पे सब सीताराम के। मैं रोज कंप्लेंट डालती हूँ, उसका कोई कार्रवाई नहीं होता है। मैडम, ये जो आज घटनाएं हुई, क्या लगता है इससे कहीं आपकी जान माल को भी कुछ खतरा है? सर, पहले हमारे इधर आकर के लाइट बंद करके कैमरे हमारे लगे हुए हैं, हम अपने बचाव के लिए कैमरे रखे हैं, हमारा कैमरा बंद करके इतना बड़ा कांड किए हैं लोगों ने, अभी भी हमारा कैमरा बंद है। अगर मेरे जान का खतरा हुआ, हमारे जान का खतरा तो है, अगर हमारे और हमारे परिवार को कुछ भी हुआ तो उसका जवाबदार सीताराम गुप्ता, नगर पालिका और पुलिस वाले रहेंगे, क्योंकि मेरा कैमरा बंद करवाने वाले वही लोग हैं, और उनके गुंडे घूम रहे हैं, कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है, उसका जवाबदार सिर्फ पुलिस चौकी रहेगी। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।